हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी एंड पटना वुमेन्स कॉलेज में जो होगा एंट्रेंस का टेस्ट एडमिशन्स को लेकर के, हालांकि एडमिशन 4 साल का हो या 3 साल का हो यह तो दूसरी डिस्कशन अपनी है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि चाहे आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन लीजिए या वोकेशनल कोर्स में लीजिए, भाई आपको टेस्ट तो देना ज़रूरी है, यानी एडमिशन्स को लेकर के आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट में आपके कई सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्लास 12th में क्या पढ़े हैं और आगे आप क्या एडमिशन लेने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो अगर आपके टेस्ट में हिंदी का पेपर है, यानी अगर आपको टेस्ट में हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर मैं बात करूं कि हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व किनको करना है ये समझिए, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे कॉलेजेज हैं अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, और अगर आपने क्लास 12th में आर्ट्स पेपर पढ़ा है तब तो फिर आपको हिंदी का भी क्वेश्चन का आंसर करना है। और हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड अगर पीडब्ल्यूसी यानी पटना वुमेन्स कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो पटना वुमेन्स कॉलेज में अगर आपको बीए के कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे आपको हिस्ट्री लेना हो रहे, पॉलिटिकल लेना रहे, ज्योग्राफी लेना रहे, तो भी आपको जो 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है कौन से सेक्शन से, तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है हिंदी के सेक्शन से। और इसको लेकर के जो आपका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से, उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो टेस्ट है उसमें मैं क्या करूंगा, ह्यूमैनिटीज के पेपर्स के बारे में भी पूछूंगा। और ये बात आप से क्लियरली देख सकते हैं, ये था बीए का प्रोस्पेक्टस। तो बताया गया था कि बीए के प्रोस्पेक्टस में जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन साथ में सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज यानी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि हिंदी किसका पेपर है, ह्यूमैनिटीज का पेपर है, यानी अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज में अगर आप बीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में आपको पटना यूनिवर्सिटी एंड पटना वुमेन्स कॉलेज में हिंदी के एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो यानी कहने का मतलब हम लोग हिंदी के फर्स्ट क्लास को कवरअप कर रहे हैं। और ये जितने भी सारे क्लासेस के प्रीमियम फैसिलिटीज है, यानी कहने का मतलब इसका जो पीडीएफ है, इसका जो स्टडी मटेरियल है, इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, जो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, जो आपके एग्जाम में आएंगे उससे क्वेश्चन मिलने की संभावना है, जो संभावना है आपके 95% प्लस चांसेस है कि उसी से क्वेश्चन है, उसी के जैसा है और एग्जैक्ट वही भी आ जाए, ऐसे सारे जो प्रीमियम सर्विसेज के जो कलेक्शन आपको मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया आपको क्लास मिलता है, साथ में आपके रिकॉर्डेड क्लास मिलते हैं, साथ में आपके पीडीएफ मिलते हैं, साथ में आपके स्टडी मटेरियल मिलते हैं, साथ में आपके प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू। तो अगर अभी तक आपने प्रीमियम सर्विसेज से ज्वाइन नहीं किया तो प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 9065179925 आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके क्या करना है, क्लासेस के साथ ज्वाइन हो जाना है। और क्लासेस के साथ जब आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आप ये सारे कंटेंट को एक्सेस कर लेते हैं। चलिए बिना देरी के साथ हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको ये क्लास पसंद आता है, क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके ये क्लासेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए बात करते हैं आज के जो हमारे हिंदी के क्लास के टॉपिक है, हिंदी का जो पेपर स्टडी मटेरियल है वो क्या है, पटना यूनिवर्सिटी एंड पटना वुमेन्स कॉलेज में होने वाले 2023 के टेस्ट के रिगार्डिंग। और इसमें हमारा क्या है, शब्दों की पहचान, यानी आप अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको शब्दों का पहचान होना चाहिए, यानी कौन से शब्द क्या हैं। अगर मैं बात करूँ हिंदी के बारे में तो हिंदी में जितने भी सारे आप शब्द देखते हैं वो शब्द मेनली कुछ प्रकार के शब्द होते हैं। अगर बात की जाए वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो हिंदी में कौन कौन से शब्द आपको जनरली देखने को मिलते हैं, तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द और विदेशी शब्द। और पटना यूनिवर्सिटी एंड पटना वुमेन्स कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा शब्द है, या तत्सम है, या तद्भव है, या देसी है, या विदेशी है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो आपको शब्दों की पहचान करने के लिए आना चाहिए, यानी शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको शब्दों के बारे में पता है इसका मतलब आप जो शब्दों की पहचान से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये जो मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया अपने प्रीमियम क्लासेस में, उसमें कई सारे क्वेश्चन बताए गए जिसमें आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, नग्न है, दक्षिण है, द्राक्षा या दाढ़ी है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस के आपको कलेक्शंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस को जरूर प्राप्त कीजिएगा प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू ज्वाइन होकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो अपनी हिंदी की क्लास है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं शब्दों की पहचान के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी के जितने भी सारे शब्द हैं, सही से समझिएगा, क्लास में मैंने आपको बताया कि हिंदी के डिक्शनरी में या कह सकते हैं हिंदी की दुनिया में जितने भी सारे शब्द हैं वो शब्दों को क्लासिफाइड किया गया है कुछ
कुछ टाइप्स में, और वो टाइप्स क्या क्या होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन से शब्द तत्सम शब्द हैं, इनमें से कौन से शब्द तद्भव है या देसी है या विदेशी है। तो आपको शब्दों की पहचान होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ एक एक करके वन बाई वन के बारे में, यानी तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देसी शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं, तो चलिए एक एक करके शब्दों के बारे में जानकारी को लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मैं तत्सम शब्दों के बारे में बात करूँ कि आखिर ये तत्सम शब्द होते क्या है, तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बनता है। तत् का मतलब होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, यानी ज्यों का तो, यानी जो संस्कृत से जो भाषा ली गई है, जो संस्कृत का ज्यों का तो है, यानी जो जानते हैं आप भारत में जो सबसे जो पुरानी पद्धति थी भाषा की, जिसमें हम लोग भाषाओं के बारे में पढ़ते थे, वो क्या था, संस्कृत था। संस्कृत के बाद देवनागरी आया, इसके बाद हिंदी आया, इस तरीके से हिंदी का डेवलपमेंट होते गया। मतलब जो हिंदी के शब्द, कहने का मतलब जो हिंदी के शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाया गया, यानी जो शब्द संस्कृत से लिए गए एग्जैक्टली, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस ना हो, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर आप बोलते हैं अग्नि, या अगर आप कहीं देखते हैं हिंदी में लिखा हुआ अग्नि, अग्नि कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि ये एग्जैक्टली संस्कृत का ही शब्द है, जिसे जिस संस्कृत के शब्द को, यानी जो संस्कृत का शब्द है उसे आप किस भाषा में बोलते हैं, हिंदी के भाषा में, तो यही आपका कहलाता है तत्सम शब्द। जैसे एग्जाम्पल आपका अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि इत्यादि, ये सारे शब्द आते हैं आपके तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को पहचानने की अगर मैं सिंपल से ट्रिक के बारे में बात करूं, तो वैसे शब्द जो आपको संस्कृत का शब्द लगे सीधा से समझिएगा वो तत्सम शब्द है। और वहीं अगर मैं बात करूं तद्भव शब्दों के बारे में, तो तद्भव शब्दों के मतलब होता है, तद्भव शब्द किससे बने हैं, तो तत्सम शब्द देखिए मैं बता रहा हूं तद्भव शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में समझिए। बताया जाता है कि तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी जो आपका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत से लिए गए शब्द है, जो ज्यों के त्यों जो संस्कृत से उठा लिया गया है, यानी संस्कृत वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और अगर तत्सम में कुछ चेंजेस कर दिया जाए, तत्सम में क्या कर दिया जाए, टाइम के साथ कुछ चेंजेस कर दिया जाए, और चेंजेस करने के बाद जो नया शब्द मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि आप जनरली कहते थे पहले, यानी कि संस्कृत भाषा में, या कह सकते हैं कि हिंदी जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, मुख, मुख मतलब होता है मुंह, यानी तत्सम शब्द में, या कह सकते हैं संस्कृत के शब्द में हम लोग कहते थे मुख, लेकिन आज के टाइम में इसको हम लोग एडवांस किए, इसमें हमने परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके इसे क्या बोलते हैं, मुंह। तो ये क्या हुआ, आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द हुआ, यानी आपका यहाँ पे जो मुंह है वो आपका है तद्भव, और मुख क्या है, तत्सम। सेम तरीके से ग्राम, ग्राम हमारा एक संस्कृत का भाषा है, इसका मतलब ये एक तत्सम शब्द है, लेकिन ग्राम को अब आज के टाइम में ये ग्राम बोलने का जो फैशन है, या कह सकते हैं जो ट्रेडिशंस है, वो थोड़ा सा सूटेबल है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें चेंजेस किया, और ग्राम को हम लोग चेंजेस करके बोलते हैं गाँव। इसका मतलब गाँव हमारा हो गया तद्भव शब्द, और ग्राम हमारे हो गए तत्सम शब्द। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सिंपल चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके से समझिएगा। तो ये हुई हमारी तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान, तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। हालांकि तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान के लिए कुछ नियम भी है, कुछ आपके कह सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपका संस्कृत वीक होगा तब तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि अग्नि अब तत्सम है या तद्भव है, ये बताना मुश्किल हो जाएगा। अब बात की जाए पक्षी आपका तद्भव है या तत्सम है, ये तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको शब्दों की पहचान में कुछ हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक्स की जरूरत होती है, यानी कुछ पहचानने के नियम आपको पते होने चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आखिर क्या पहचानने के नए नियम हैं। यानी कहने का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि तत्सम और तद्भव शब्दों का क्या पहचान है, क्या ट्रिक है, तो ट्रिक नंबर वन के बारे में बात करते हैं। अगर आपको शब्द के पीछे छ मिल जाए, यानी अगर आप शब्द देखें और शब्द के पीछे आपको छ मिल जाए, तो आप एक बार में आंसर दीजिएगा वो शब्द क्या है, तत्सम है। और अगर आपको शब्द के पीछे अगर आपको ख देखने को मिल जाए, यानी अगर आपको शब्द के पीछे क्या मिल जाए, छ मिल जाए, तो कहिएगा वो तत्सम शब्द है। और अगर शब्द के पीछे ख या छ मिल जाए, तो आप कहिएगा वो क्या है कि आपके वो तद्भव है, यानी च छ वाला, और ये क्या है, क्षत्रिय वाला छ है, यानी ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे पक्षी क्या है, आपका तत्सम है, लेकिन पंछी ये क्या है, आपका तद्भव है। तो इस प्रकार से शब्दों की पहचान कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में। अगर सेकंड ट्रिक के बारे में बात की जाए, तो तत्सम शब्दों के लास्ट में आपको स्र, यानी श्रवण वाला जो स्र है वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन तद्भव शब्दों के लास्ट में आपको स मिलता है। जैसे एग्जाम्पल धन श्रेष्ठी इस प्रकार से लिखा रहे, तो ये तत्सम शब्द है, लेकिन धना सेठी ये क्या है, आपके तद्भव शब्द है।
चलिए बात करते हैं आगे के ट्रिक के बारे में। तो नंबर थर्ड ट्रिक क्या है कि अगर आपको शब्दों के लास्ट में आपको ये वाला स मिले तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा शब्द है, तत्सम है। और अगर आपको शब्दों के लास्ट में दंती स आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा क्या है, वो आपके तद्भव है। जैसे एग्जांपल के बारे में बात की जाए, दीप सलाका, ये आपके क्या है, यानी अगर आपको शब्दों में ये स का प्रयोग मिल जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे स के प्रयोग के बारे में बात की जाए। यहाँ आपको ये मैंने बात किया था अंतिम में, चीज़ों को थोड़ा सा सही से समझिएगा कहाँ आपको प्रयोग मिलना चाहिए। और ये जो स्र का प्रयोग है, यानी आपको शब्दों में कहीं भी दिख जाए, इस स्र का प्रयोग शब्द में कहीं दिख जाए समझिएगा तद्भव है, इस शब्द तत्सम है। और अगर आपको शब्द के लास्ट में ये वाला प्रयोग मिल जाए तो समझ जाइए कि वो आपके तद्भव है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगर आपको तत्सम शब्दों के बारे में बात की जाए तो तत्सम शब्दों में आपको ये वाला स का प्रयोग मिलेगा, वहीं अगर बात की जाए तद्भव शब्दों में तो आपको ये वाला शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो अगर आपको ये वाला शब्द दिखे आप तुरंत बताइए तत्सम है, अगर आपको ये वाला शब्द प्रयोग मिले तुरंत बताइए आप तद्भव है। आगे बात करते हैं, अगर आपको शब्दों में री का प्रयोग मिले, जैसे जो ऋषि में होता है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके क्या है, तत्सम है। और अगर आपको दूसरे शब्द मिले, यानी इस प्रकार का री का प्रयोग नहीं मिले, तो आप समझिएगा क्या है, वो वर्ड आपका तद्भव है। जैसे कर्तृगृह, कृतृगृह, कृतृगृह के बारे में बात किया तो ये वाला आपका री का प्रयोग है, इसका मतलब क्या है, ये आपके तत्सम है। और कचहरी, उसी का एडवांस रूप है कचहरी, ये क्या है, तद्भव है। वहीं अगर आगे के शब्दों में बात की जाए तो अगर आपको शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग मिले तो समझ जाइए कि क्या है, वो आपके तत्सम शब्द है। इस प्रकार के र का प्रयोग मिले नीचे की ओर जाकर के, यानी इस प्रकार से अगर आपको शब्दों का मिले, यानी र में इस प्रकार का जो कह सकते हैं जो ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जैसे इसमें देख सकते हैं आम्र, आम्र, आम्र में देखते हैं र कहाँ है, नीचे की ओर आया, तो ये आपका क्या है, तत्सम है। और अगर आपको नॉर्मल हो तो वो क्या है, तद्भव है। जैसे आम्र, आम्र के बारे में बात की जाए तो ये आपके तत्सम शब्द हो गए, लेकिन इसी को एडवांस करके आज के आदमी बोलते हैं इसे आम, तो ये क्या आपका तद्भव है। वहीं अगर बात की जाए तत्सम शब्दों के बारे में और पहचान के बारे में, तो तत्सम शब्दों में आपको व का प्रयोग दिखता है, लेकिन तद्भव शब्दों में व का प्रयोग दिखता है, यानी वही शब्द आपको व का प्रयोग के साथ दिख जाए तो समझ जाइए तत्सम है, और अगर वही शब्द आपके व के प्रयोग के साथ दिख जाए तो समझ जाइए तद्भव है। जैसे वन, और आज के टाइम में से इंसान बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वन। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। चलिए मैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के कलेक्शंस को भी आपको करवा देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया कि नीचे विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुने, कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कौन सा शब्द संस्कृत भाषा में बोली जाने वाली भाषा, यानी कह सकते हैं पुराने टाइम का कौन सा भाषा है, माह सत, इसके बाद है खेत, इसके बाद है मन। तो आप जानते हैं माह आज का एडवांस रूप है, पहले मासिका हम लोग बोलते थे पहले संस्कृत के शब्दों में। इसके बाद अगर बात की जाए सत, तो सत भी आपका जो सत का शब्द है, इसके बारे में देख सकते हैं इसमें स का प्रयोग है, तो आप जानते हैं कि स का अगर प्रयोग होता है तो वो कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो आप इस तरीके से सिंपल वे में पहचान कर सकते हैं तत्सम शब्दों की, कुछ ही पहचान है, जो शब्द तत्सम हो गए वो तत्सम, बाकी सारी शब्द क्या हो जाएगी, तद्भव। तो इस तरीके से पहचान को तेज कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए कुछ और क्वेश्चन के बारे में आपको बात कर लेता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि उज्ज्वल का सही तद्भव शब्द क्या है, यानी उज्ज्वल एक प्रकार का क्या है, तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि आज के टाइम में इसका तद्भव शब्द क्या है, यानी इसका एडवांस शब्द क्या है, उजियारा या उजाला या उजागर या उज्ज्वलता। तो इसका सही उत्तर क्या है, तद्भव के शब्द में उजियारा, ये इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको आंसर टिकआउट करने के लिए आना चाहिए, आंसर पिकआउट करने के लिए आना चाहिए, ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। और अगर मैं बात करूँ शब्दों की पहचान से पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट या पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो तकरीबन आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये सारी बातों पर ध्यान रखिएगा। तो जितने भी क्लासेस के स्टूडेंट होंगे, हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को मैं ग्रुप में ऑलरेडी भेज चुका हूं, तो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, इसके बाद आंसर शीट को मैं भेज दूंगा। वहीं अगर बात की जाए आगे के शब्दों के बारे में, तो मैंने ये भी आपको बताया कि शब्द जनरली चार प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, तत्सम, तद्भव, इसके बाद देसी और विदेशज, यानी देसी भाषा और विदेशी भाषा से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और देसी और विदेशी भाषा से प्रश्न आपके लगभग हिंदी से सारे कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो बात की जाए अगर देसी भाषा के बारे में या विदेशज भाषा क्या होता है, तो वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश विभिन्न बोलियाँ से ली जाती है, अर्थात तत्सम शब्दों को छोड़ करके देश की विभिन्न बोलियों में आए शब्द को हम लोग
देशज कहते हैं, यानी जो हमारे देश में जो जनरली बोला जाता है वो भाषाएं हमारे देशज होगी, और इसके बाद जो भी भाषाएं जो बाहर से चल करके आई है या जो भाषा हमारे देश में बोलने की प्रथा नहीं थी वैसे भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज भाषा कहते हैं। ये सिंपल सा ट्रिक है। तो देशज और विदेशज को पहचाना भी बिल्कुल ही आसान है। चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख देशज शब्दों के बारे में कि कौन कौन से शब्द देशज है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा लोटा कौन सा शब्द है तो आप बताइएगा देशज। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख देशज शब्दों के बारे में। तो जैसे आपका हो गया लोटा, घोटाला, जगमग, गड़बड़, चटपट, खुसुर पुसुर, झिलमिल, झुग्गी। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है, पोपो, टोटी, काय काय, धड़ाम, बक बक, ठक ठक, टन ठन, सर सर, टक्कर, डकारा, खटपट, खराटा, उठपटांग, टुच्चा, काका। ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। बाबा, झाड़, मक्का, तोंद, डिबिया, चपटा, लाला, ये सारे शब्द क्या हमारे देशज है, यानी हमारे देश हमारे जो देसी भाषा है उसमें बोली जाने वाली भाषा है, और ये अभी भी आपके गांव ग्राम में अभी भी ये भाषाएं बोली जाती है। वहीं अगर बात की जाए विदेशज भाषा के बारे में तो वैसे शब्द जो विदेशों से आए या वैसे शब्द जो हमारे देश की भाषा में बोलने की प्रचलन नहीं थी, लेकिन कह सकते हैं मानव समाज ने लगातार वो भाषा को एक नए फैशन में, एक नए डिज़ाइन में बोला है, यानी जो भाषा विदेशों की भाषा थी या कह सकते हैं जो पश्चिमी देशों से हमारे देशों में जो भाषाएं आई है वैसे देशों को हम लोग क्या कह सकते हैं, वैसे भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे शब्द को क्या कह सकते हैं, विदेशी शब्द। जैसे अगर विदेशी शब्द के कुछ फेमस एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो अजीब, अमीर, अक्ल, असर, इसके बाद अल्लाह, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कब्र, किस्मत, कुर्सी, किताब, खत्म, खिदमत, गरीब, जनाब, जवाब, जहाज, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, दिमाग, दवा, दावत, दफ्तर। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात की तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैं भाषाओं का कलेक्शन दिया हूँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भाषाओं की कलेक्शन है आप उसे देखिएगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ, हालांकि इसमें आपको दिया भी गया है कि आपको क्या करना है कि भाषाओं के बारे में आपको बताना है। चलिए मैं कुछ विदेशी शब्दों के बारे में बात करता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन से शब्द विदेशी नहीं है, यानी कौन से शब्द विदेशी नहीं है, इसका मतलब कौन से शब्द इसमें देसी है यानी देशज भाषा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, उर्दू, कमाल, दातुन, कमीना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्दू। उर्दू कौन सी भाषा है, हमारी विदेशी भाषा नहीं, उर्दू हमारी देसी भाषा है यानी देशज भाषा है। तो इस तरीके से भाषाओं के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो भाषाएं हमारे द्वारा बोली जाती है मानव समाज में वो भाषाएं देशज हैं, विदेशज हैं, या तत्सम है, या तद्भव है, यानी कहने का मतलब आपके पास सब। तो आशा करते हैं जो शब्दों की पहचान को लेकर के जो मैंने आपको सारे ट्रिक्स बताए और जो मैं सारे आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आशा करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखे भी होंगे, और आप हमारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को रिवाइज भी कीजिएगा, क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व भी कीजिएगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस बन सके एग्जाम में और आपका शब्दों की पहचान से किसी भी प्रकार की नंबर की कटौती ना हो। और अगर अभी तक आपने प्रीमियम क्लासेस से ज्वाइन नहीं किया तो आप प्रीमियम क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 9065179925 पर कॉन्टैक्ट करना है और क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है, ताकि आप भी हमारे क्लासेस के साथ जुड़ सके और क्या कर सके, ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया यूट्यूब पे, मैंने भी आपको बताया किस लिए, आपके क्लासेस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन का जो कंप्लीट डिस्कशन है वो मिलता है गूगल मीट पर। इसलिए आपको क्या करना है, जितना जल्द से जल्द हो सके क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, ताकि ये सारे जो डाउट्स है जो आपके मन में चल रहे डाउट्स है वो डाउट्स को आप क्लियर कर सके हमारे साथ बातचीत करके, और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को क्या कर सके, पा सके। वीडियो को इन करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।